ग्वालियर शहर में बेटी है तो कल है। सामाजिक संस्था की मीडिया प्रभारी ने बताया कि दीपावली पर्व के अवसर पर कई ऑनलाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें विजेताओं को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना प्रद्युम्न सिंह तोमर अध्यक्षता, भाजपा जिला अध्यक्ष कमल माखीजनी और विशिष्ट अतिथि पूर्व महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता एवं राजेश एरन ममता कटारे थी। कार्यक्रम का संचालन आभार डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी ने किया। वहीं अपने उद्बोधन में राजेश एरन जी ने कहा कि महिलाओं में जो क्षमता है उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। समीक्षा जी ने कहा कि ऑनलाइन प्रतियोगिता से सभी महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करते हुए अपनी अपनी जीत हासिल की है। कमल माखीजानी ने कहा कि दीपावली पर्व से हम सीख मिलती है कि जिस प्रकार दीपक जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार समाज सेवा का काम से संस्था भी उसी दीपक की भांति काम कर रही है। मुख्य अतिथि श्रीमती अर्चना प्रद्युम्न सिंह ने कहा कि महिलाओं में हुनर की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें निखारने की। कार्यक्रम में सभी का स्वागत आशु तोमर, रेखा अग्रवाल, पूजा अग्रवाल, ज्योति बंसल, संगीता अग्रवाल, नूपुर गोयल, ज्योति दुबे, रुचि अग्रवाल, मंजू बघेल, सोनल यादव, प्रिया प्रजापति उपस्थित रहीं और कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं के रूप में दीप्ति संघी एवं नीतू गुप्ता को सम्मानित किया गया। उनको यहाँ सम्मानित किया गया मंच के माध्यम से, और जिन बहनों ने यहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था वो सभी बहनें यहाँ उपस्थित हुई। हमारी भी अतिथियों ने उनको सम्मानित किया गया। और आज संस्था के अध्यक्ष हमारे अभी वंदना जी का जन्मदिन भी है, तो आपके माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हम किसी भी रूप में उनकी बहन बेटी माँ हर क्षेत्र में हमारी बहनें काम कर रही हैं, निरंतर करती रहें। सभी भाइयों से यही निवेदन है कि आपके घर की भी बहन बेटी है, आपके बाहर अड़ोस पड़ोस की जो भी बेटी है, अगर उसमें कोई हुनर है तो सपोर्ट करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। तो मुझे लगता है जब एक बेटी को साथ मिलता है तो बेटी बहुत अच्छा काम करके दिखाती है। बहुत अच्छा मैडम, क्या कार्यक्रम बता गया था? कोरोना योद्धा सम्मान भी हम लोगों ने रखा सर। इस समय कोरोना काल चल रहा है, आप सभी जानते हैं, तो हम लोगों ने ऑफलाइन तो कोई भी प्रतियोगिता नहीं कराई, हमने ऑनलाइन प्रतियोगिता कराई थी, जिसमें सभी महिलाओं बहनों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उनका पुरस्कार वितरण था, इसमें हमारी यादव ने समीक्षा गुप्ता जी, अर्चना प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, कमल माखीजानी जी, सभी भाइयों ने हमारे साथ दी। जी मैं आगे की गति में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसी प्रकार में निरंतर आगे बढ़ती रहे। बेटी है तो कल सामाजिक संस्था सभी बहनों और बेटियों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। जब कोरोना जाएगा 2-4-6 महीने बाद तो उल्टे मास्क लगाना पड़ेंगे, जिससे काम सीधे हो जाए। वो आगे को आ गए हैं सबके। धन्यवाद सभी बहनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान अपनी संस्था के द्वारा आयोजित करेंगे और मास्क का प्रचार प्रसार भी अभी होर्डिंग और समाचार पत्रों के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। धन्यवाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।